वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है 1 ग्राम ऑफ वीक एसिड HA लिए है, उसको 200 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया बाय 0.8186। बोलता सेम एसिड को 200 ml वाटर में डाले और कितना 1 ग्राम। बोलता इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 125 ml 0.1 कैपिटल M NaOH लगा है। तो देखो इसका यूज करके हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने वाले हैं। कैसे समझते हैं? वीक एसिड विल रिएक्ट NaOH, तो रिएक्शन होगा HA प्लस NaOH, क्या देगा? सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा। ठीक है, अब देखो NaOH कितना रिक्वायर्ड है। मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लीटर में लेंगे तो ये आएगा। तो इतना NaOH रिक्वायर्ड हुआ है, तो एसिड कितना? एसिड भी इतना ही मोल्स होगा क्योंकि मोनो बेसिक है, इसके अंदर एक H है। तो implies that moles of acid is 125 into 10 raised to power minus 4 moles. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 ग्राम एसिड था, तो वो कितना मोल है? 125 10 का पावर माइनस 4। तो हम लोग कह सकते हैं 125 into 10 raised to power minus 4 moles has मास 1 ग्राम। इसके अंदर इतना मोल है, इसके अंदर मास कितना? 1 ग्राम। तो दिस नंबर ऑफ मोल हैज मास 1 ग्राम, तो 1 मोल हैज मास कितना? 1 ग्राम बाय 125 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। इसको हम लोग सॉल्व किए तो आया उसके बाद ऊपर चला गया 125, तो 25 into 4, तो ये आएगा 5 into 8, 80 ग्राम आने वाला है। तो मॉलिकुलर मास इज 80 ग्राम, एक मोल का मास है 80 ग्राम, तो मॉलिकुलर मास इज 80 ग्राम। अब देखते हैं यहां से मॉलिकुलर मास ए का कितना मिला, 80 ग्राम मिला ना। तो इसके अंदर मोल्स ऑफ ए कितना है? 1/80 मोल्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका मोलैलिटी कितना हो गया? इसका मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब 0.2 kg। तो इसको हम लोग सॉल्व, तो हमारा आ रहा है 1/16 मोल पर केजी, तो मोलैलिटी इज 1/16। नाउ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ 0.186 दिया, आई पता नहीं है, ये 1.86 है, मोलैलिटी 16। ठीक है ना, तो आई आया 1.6, इसको सॉल्व करेंगे 1.6 आएगा। तो नाउ वी नो इसके अंदर आई 1.6 है, तो हम लोग क्यों आया आई 1.6, क्योंकि ये स्प्लिट किया है H प्लस और A माइनस में, तो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0 इनिशियल, कितने का चेंज? माइनस अल्फा का चेंज, प्लस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल मोल्स 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा आएगा, ये अल्फा आएगा, तो I क्या हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो I आया 1 प्लस अल्फा। I कितना है? 1.6,
So 1 plus alpha is equal to 1.6. Implies that alpha is equal to 0.6. So degree of dissociation is 0.6. So percentage dissociation is 60%.